हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी अरेना। तो इस साल की जो सबसे खास बात ये रही कि जो स्टूडेंट्स इंडियन रेलवेज़ की तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए नौकरियों की भरमार रही। पहले तो RRB LP की आई, टेक्नीशियन की आई, ग्रुप डी की आई, RPF SI की आई, कांस्टेबल की आई और RRB JEE की भी वैकेंसी जा चुकी हैं। तो इसी क्रम में ये जो वैकेंसी है ये RRB कांस्टेबल की है। तो आप देख सकते हैं जो ये है, ये आपका 1 जनवरी से फॉर्म भरा जाएगा। और ये कब तक भरा जाएगा? तो ये 30 जनवरी तक फॉर्म भरा जाएगा। इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम इसका होगा फरवरी मार्च में। तो आप लोग उस हिसाब से अपनी तैयारी रखिए। इसकी हम मेन मेन डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे इस सेशन में, और मैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से जाके इसको अप्लाई कर दीजिए। अगर कोई समस्या या कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका जवाब जरूर देंगे। आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं कि SSC ये जो मैट्रिक मांगा हुआ है यहाँ पे कॉन्स्टेबल के लिए, जो एज है वो आपकी 18 से 25 साल है। जनरल OBC SC ST के लिए जो छूट में प्रावधान है रेलवे के, वो उसी तरह से रहेंगे। आइए कुछ फिजिकल क्वालिफिकेशंस भी देख लेते हैं। तो जो फिजिकल क्वालिफिकेशन है वो जो हाइट है मेल की वो 165 होनी चाहिए, SC की 160, और जो हैं फार जो ये रहते हैं गोरखा या जो वहाँ के पहाड़ी एरियाज के लोग रहते हैं तो उनके लिए और 65 से 2 की छूट है, मतलब 163 तक है। और फीमेल्स के लिए 157 है, 152 है, 155 है। तो आप लोग ये देख सकते हैं। चेस्ट का आप देखिए 80, 76.2 और फिर ये 80। तो ये इसका है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और डिटेल्स कुछ देखते हैं इसकी। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी जो वो भर्ती होगी वो होगी कैसे। तो इसमें आपका ये रिटन एग्जामिनेशन होगा। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे आपके, और आपका ये होगा 45 मिनट का। तो जो सिलेबस रेलवे का रहता है वही है, जनरल अवेयरनेस रहेगी आपकी निश्चित तौर पर, 20 20 मार्क्स की रहेगी ये। फिर आपकी अर्थमेटिक भी 20 मार्क्स की है, सेम वही सिलेबस है आपका जो रेलवे का रहता है। और आपका जनरल इंटेलिजेंस भी रहेगा 20 मार्क्स का। तो इस तरह से टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे जो कि 60 नंबर के रहेंगे। सिलेबस इसका आप लोग देख सकते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह है जनरल अवेयरनेस में, वही जो कि अभी आप लोग इसके गो थ्रू होंगे जब अभी आपने तैयारी करी होगी RRB LP वगैरह की। तो सेम सिलेबस था इसमें, कोई खास चेंज है नहीं। मैथ का भी वही हाल है, तो वही सेम सिलेबस है। तो आपका जो RRB की जो तैयारी आपने करी हो ALP वगैरह के, तो उसमें जो आपने किताबें ली हों वो सारी इसमें काम आ जाएंगी। और इंटेलिजेंस रीजनिंग वगैरह की सेम वही सिलेबस है। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इसको भर दीजिए, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर कोई और दिक्कत या और कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। ओके, धन्यवाद।